दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं VLOOKUP और XLOOKUP में क्या डिफरेंस है। मेरे पास ये डेटा दिया गया है और मुझे इन दी गई प्रोडक्ट लिस्ट में से मिल्क प्रोडक्ट का लेटेस्ट सेल्स मुझे जानना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं चलिए वो देखते हैं। VLOOKUP में हम VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में हम सेल सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम नेम एंटर करने वाले हैं। फिर टेबल अरे पर हम डेटा सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा करके। कॉलम इंडेक्स नंबर पर हम 2 कॉमा। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए 0 एंटर करें। ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर। आप यहां पर देख सकते हो इसने सेल्स तो दिखा दिया है लेकिन यहां पर स्टार्टिंग सेल्स शो कर रही है। अभी हम XLOOKUP को ट्राई करते हैं। Is equal to XLOOKUP bracket open. Lookup value में हम cell select कर लेंगे जिस पर हम name enter करने वाले हैं। फिर lookup array पर हम product data select कर लेंगे comma करके। Return array पर हम fab data select कर लेंगे। Bracket close करके press enter। ये भी हमें same value दे रहे हैं, लेकिन अगर आप return array के बाद double comma enter करेंगे, exact match के लिए 0 enter करें। फिर कॉमा देकर यहाँ पर सर्च लास्ट टू फर्स्ट शो कर रहा होगा, तो हम -1 एंटर कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपको लेटेस्ट सेल्स मिल जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन VLOOKUP एंड XLOOKUP, आप इसमें फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट सर्च कर सकते हो। एक्सेल में ऐसे फॉर्मूला एंड फंक्शन को सीखने के लिए और एक्सेल में टाइम बचाने के लिए राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिसे उन्हें भी ये सीखने मिले।